आज हम बनाने जा रहे हैं शनेल इंस्पायर्ड ज्वेलरी बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लें, उसको पूरी तरह से खोलकर उसके साइड्स काट लें। ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद उसके एक कॉर्नर पर ट्रायंगुलर शेप काट लें, ये हमारा ओपनिंग फ्लैप। उसके बाद हमारे बॉक्स के बचे हुए साइड पीसेस को काट कर इस तरह हमारे मेन बॉक्स के साइड्स पर टेप कर लें। पूरे कार्डबोर्ड पर ग्लू लगाकर उसको एक ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर हमें एक्स्ट्रा चार्ट पेपर को काट देना है साइड से एक इंच की दूरी छोड़कर। अब हर कॉर्नर से चार्ट पेपर को कुछ इस तरह से काटें। अब हमारे काटे हुए चार्ट पेपर पर ग्लू लगाकर उसको कार्डबोर्ड से चिपका दें। हमारा कार्डबोर्ड प्रॉपरली कवर हो गया। हमें कार्डबोर्ड के बैक साइड को एक रेड वेलवेट पेपर से कवर कर दें। अब हम ज्वेलरी बॉक्स का बॉटम शेल्फ बनाएंगे। एक ग्लू गन की मदद से हम कार्डबोर्ड पीसेस के कॉर्नर्स को चिपकाएंगे। हमें ऐसा बनाना है कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाए जो कि हमारे ज्वेलरी बॉक्स के बॉटम पार्ट पे जाएगा। इसमें आप जितने डिविजन्स करना चाहते हैं उतने लगा सकते हैं। मैं यहाँ 3 डिविजन्स बना रही हूँ। अब हमारे शेल्फ के चारों एजेस पर ग्लू लगाकर उसे हमारे बॉक्स से स्टिक करना है। शेल्फ के बैक साइड पर ग्लू लगाकर हमें बॉक्स के हाइट से उसको चिपकाना है। अब हम अपना टॉप शेल्फ बनाना स्टार्ट करेंगे। शेल्फ के बेस पर उसके साइड्स को ग्लू गन की हेल्प से चिपका लें। मैं यहाँ बीच में एक छोटा सा डिवीजन भी बना रही हूँ ताकि हमारी छोटी छोटी ज्वेलरी अलग अलग सेग्रीगेटेड रहे। अब हमारे बॉक्स और लेफ्ट शेल्फ की हेल्प से चेक कर लें कि हमें राइट शेल्फ कितना बड़ा बनाना होगा। जैसे हमने लेफ्ट शेल्फ बनाया था वैसे ही हम राइट शेल्फ भी बना लेंगे। मैं यहाँ पे 2 डिविजन्स बना रही हूँ। फाइनली हमें टॉप शेल्फ्स को हमारे बॉक्स के साइड से चिपका लेना है। नेक्स्ट हमें शनेल के लोगों का प्रिंट आउट लेकर उसके अल्फाबेट्स को काट कर निकाल देना है। उसके बाद हमें उसे बॉक्स पर रखकर वाइट कलर से फिलअप कर देना है। हमारा शनेल का लोगो कुछ ऐसा दिखेगा। फाइनली आप बॉक्स के अंदर अपनी फेवरेट ज्वेलरीज ऑर्गेनाइज कर दीजिए। हमें बॉक्स को बंद करके उसे वाइट रिबन से टाई अप करना है। एक्स्ट्रा रिबन को काट दें और हमारा ज्वेलरी बॉक्स तैयार है।